हाँ जी महेंद्र जी, खैरियत से हैं जी? नमस्ते जी, कौन जी? मैं पाप की दुनिया व्हाट्सएप न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, एंकर नदीम खान जी। जी आप हमारे चैनल पे हैं और इसके जरिए हम क्या बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात से गुफ्तगू करके लोगों तक मजहबी बातें पहुंचाते हैं जी। वो अक्सर ये देखने में आया है आर्यपाल जी के किसान लोग बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं आजकल कर्ज की वजह से, तो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म में क्या तालीम नहीं दी गई है कि इंसानी जान को बचाया जाए? लोग मायूस क्यों जाते हैं? जैसे इस्लाम में तालीम है कि कभी आदमी पे कर्ज हो जाए, परेशान हो जाए, तो वो दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्नी वल अज़्ज़ी वल कस्ली वल जबरी वल जुबनी वल बुख़ली वज़्ज़लाई दैनी व ग़लबती रिजाल। इस दुआ को पढ़ने से कर्ज से मुक्ति पा जाएगा? हाँ, उन हालात से उभर जाता है जैसे कि हजरत एक मिनट, इस दुआ को पढ़ने से कर्जा से मुक्ति पा जाएगा? हाँ, इन मसाइब से बच जाता है आदमी। जो मैं पूछ रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि अबू दाऊद की रिवायत है। केवल एक सवाल पूछा, मैं एक बार पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दुआ पढ़ने पर कर्जा से मुक्ति पा जाएगा? हाँ हाँ, सारी मुसीबतों से, सब कर्जा नहीं बल्कि मायूसी से, फिक्रों से, गम से, लोगों के जुल्म के शिकार से, कर्जे से, मेरी कुल चुनौती मत दीजिए, सचित कर दिया तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। चुनौती मत दीजिए, इस्लाम ने तालीमात दी है, बना लूंगा इस्लाम वाले। चुनौती मत दीजिए, ये इस्लाम ने तालीमात बताई है इंसानी जान बचाने की। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूं। सनातन धर्म में क्या हल बताया गया? आदमी सुसाइड कर ले? मैं बोल रहा हूँ सनातन हो आप पुरातन हो, ये हाँ। अपना बकचोदी अपने नहीं, पास आप ये बताइए। नहीं, आप बताइए ना, आप ऐसी गालियां दे रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी हो के यार। मैं कह रहा हूँ मैं झूठ सुनने का आदि नहीं हूँ। तो आप बताइए ना, आपके मजहब में क्या हल है इसका? इस्लाम ने तो बताया। मैं बोल रहा हूँ मजहब में क्या हल है नहीं है वो तो बाद की बात है। मतलब इंसानी जान की कोई कदर नहीं आपके मजहब में? मर जाए वो, उसको जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी ये दुआ अगर भाई, ये इस्लाम ने तालीम दी है, ये मैं बोल रहा हूँ इस्लाम छो मैं तो पूछा नहीं था तुमसे कि इस्लाम ने क्या तालीम, तुम्हें सनातन धर्म में बताइए। मैंने आपसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम इसी शर्त पे आओ, अगर ये दुआ से सभी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके धर्म में ये चीज है कि नहीं? मेरे अच्छे भाई ये बता कि ये सब बलाओं से अगर ये दुआ से मुक्ति पा सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों जूझ रहा है? कौन जा रहा है पाकिस्तान क्यों मुसीबतों से जूझ रहा है? वो दुआ नहीं पढ़ते होंगे तो उसको सवाल से बहुत काला जादू सिखा रही है। अरे वो हंड्रेड जो आदमी इन मुसीबतों में है, मैं बोल रहा हूँ मेरी खुले की बहाने मत बनाइए। आप सनातन धर्म में बताइए कि अच्छी तालीमात है क्या? आप बहाने मत बनाइए। आप अपने आप बोल रहा है, मैं पूछा भी नहीं था। आप ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी लगा रहा हूँ, मैं तेरी आवाज अभी लगा रहा हूँ यूट्यूब में। वो तो मैं खुद लगा दूंगा, आप फिक्र ना करें, मेरे चैनल पे खुद आएगी। आप अपने धर्म को बताइए कि उसमें इस मसले का हल क्या है, बताइए। मसले का हल एक नहीं है, मसले का हल अनेक है। अरे तब बताइए ना, आपके बोलने से थोड़ी धर्म बनेगा, धर्म के ग्रंथों की किताबों में दिखाना पड़ेगा ना। आपने तो किताब से दिखा नहीं, मैं इसीलिए तो बोला रहा हूँ। मतलब आपको मालूम नहीं? सामने आ जाओ तो फिर सच्चाई का पता लगेगा। सामने आने की हिम्मत है, सामने आओ। मैं बोल रहा हूँ एक दुआ नहीं, पूरी कुरान को पढ़ जाओगे तब भी मुसीबत से निजात पाने वाले नहीं हो। आपके सनातन धर्म में पास रखो हिंदू।